अब पता चला तुम्हें कि ढाबे के खाने का क्या मतलब होता है? यार मीनका, एक बात बता, वो जो लड़का वहां पर खड़ा है, क्या वो मेल प्रोस्टिट्यूट है? हाँ, इस रास्ते पर 1 बजे के बाद जो कोई मेल मिले या लड़का मिले, वो सब मेल प्रोस्टिट्यूट है। वाओ, अमेजिंग। मेनका, ये धंधा क्या सिर्फ इसी शहर में होता है कि बाकी शहरों में भी? ये धंधा सबके शहरों में होता है, लेकिन छुप छुप कर। जैसे धंधे वालियां होती हैं, वैसे धंधे वाले होते हैं। वो जो लड़का वहां मेल प्रोस्टिट्यूट बनकर खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल पर अपने गे पति की शक्ल चढ़ा दी और ये सोचा कि अगर मेरा गे पति ऐसा करेगा तो कैसे करेगा। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम क्या है? मिथुन। तो मुझे आप अपना मिथुन ही समझो। ये कैसे जवाब है? इसका मतलब है कि यहाँ कोई अपना असली नाम और असली आइडेंटिटी नहीं बताता है, फिर चाहे तुम उस पर इल्जाम लगाकर केस डाल दो फिर भी नहीं। अच्छा चलो गाड़ी में बैठो। मैं बाहर खड़ी थी अपनी गाड़ी के, और गाड़ी के अंदर से मेनका की तड़पती हुई आवाजें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। एक तो मेरा पति 3 महीने की नेवी की ड्यूटी पर था, और मिथुन के छोटे से चक्रवर्ती को छूकर मैं पागल हो रही थी। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। कविता भाभी, आप तो कमाल से भी कमाल हो। मुझे भूल ना जाना कविता भाभी, मौका मिला तो दोबारा आपको कॉल जरूर करूंगा। अरे आप लोग गुस्सा मत कीजिए, मैं आप लोगों को भूखा नहीं जाने दूंगी। देवेन जी का कॉल तो समाप्त हो चुका है, मगर आप लोग तो अभी भी हैं ना। मैं अपनी गाड़ी में एक छोटा सा मैट्रेस लेकर चला करती थी। मुझे पता था कि वो मैट्रेस की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। उस दिन भी पड़ी।